हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स। मैं हूँ अभिषेक जैन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कूल के बच्चों के लिए जो पेस्टिंग आईडी कार्ड होता है जो कि इस तरह से दिखता है, इनके ऊपर प्रिंटिंग कैसे की जाती है स्टिकरिंग के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप या कॉल ड्रॉ, इनकी आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगी और इनके अंदर आपको एक ग्रिड बनानी पड़ती है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। अलग अलग साइज़ के बैचेस और किचन के लिए अलग अलग साइज़ की ग्रिड लगती है। प्रोडक्ट परचेज करने पे ये सारे ग्रिड और लेआउट या टेम्पलेट फाइल्स भी हम लोग आपको सप्लाई करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ग्रिड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना डाइकटर में कटिंग नहीं होगी। आगे आपको ये बात समझ में आएगी, मैं आपको अब आगे का डेमो दिखाता हूँ। पेस्टिंग आईडी कार्ड, पेस्टिंग बैचेस, पेस्टिंग बक्कल या फिर पेस्टिंग किचन बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे इनमें से कुछ मशीन। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक मल्टी फंक्शन मल्टीपर्पज प्रिंटर जो कि एक इको टैंक या फिर इंक टैंक का हो तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हमने एप्सन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो दूसरे प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग इस प्रिंटर से हो जाएगी, बट प्रिंटिंग का पेपर या फिर स्टिकर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है एपी स्टिकर जो कि एक हाई ग्लॉजी स्टिकर है और ये स्टिकर इतना शानदार या फिर इतना रगड़ होता है ये फाटने, आप अगर इसे फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फटेगा नहीं। और ये जो स्टिकर होता है ये वाटरप्रूफ भी होता है, यानी पानी इसकी सतह के ऊपर रुक जाता है, अंदर नहीं घुसता। और यहाँ पे आप देखिए पानी नॉर्मली जा चुका है और स्टिकर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये प्लेन स्टिकर पे मैंने आपको डेमो करके बताया। यहाँ पे अगर हम इसे फाड़ने की भी कोशिश करेंगे तो जो ये शीट है ये स्ट्रेच हो जाएगी, यानी खींचने की कोशिश होगी अपने आप में, फटने की इसकी प्रकृति नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये फटेगी नहीं, स्ट्रेच हो जाएगी बट फटेगी नहीं आसानी से। तो ये है क्वालिटी वाला स्टिकर, इसीलिए हमारे जो आईडी कार्ड हैं या बैडजेस हैं वो भी क्वालिटी के बनेंगे। इससे पहले लोग फोटो पेपर के ऊपर बना दिया करते थे बट वो हर 2 महीने 1 महीने में कार्ड ख़राब हो जाता है, इंक फेड हो जाता है। बट अगर आप एपी स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो कार्ड है वो फेड नहीं होता और पूरा 1 साल की लाइफ आप आराम से कस्टमर को दे सकते हैं। प्रिंटिंग के कदम के बाद सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट कदम होता है लैमिनेशन का, और लैमिनेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कोल्ड लैमिनेशन का रोल। ये कोल्ड लैमिनेशन का रोल A4 साइज़ के कट पीस में भी आता है। A4 साइज़ का पैकेट यूज़ करें या फिर आप कोल्ड लैमिनेशन का रोल यूज़ करें, दोनों ही केस में आपको यूज़ करना है कोल्ड लैमिनेशन का मशीन। तो चलिए मैं इसका आपको डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले कोल्ड लैमिनेशन को लेने के बाद उसे अपनी कैंची से काट लें। अगर पूरा रोल, जैसे बल्क क्वांटिटी का काम आपका ना हो तो आप चाहें तो A4 साइज़ का रेडीमेड कट पीस भी हमसे ले सकते हैं। कोल्ड लैमिनेशन मशीन को आप इस तरह से सेट करेंगे और बीच के अंदर आप इस तरह का फोम बोर्ड डाल देंगे या फिर आप प्लाईवुड, MDF, एक्रिलिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कोल्ड लैमिनेशन के फिल्म को कुछ इस तरह से निकालेंगे और ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है हम लोग उसे रिलीज पेपर कहते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट पन्नी आपको दिख रही है वो है दरअसल हमारा कोल्ड लैमिनेशन फिल्म। यहाँ पे आईडी कार्ड का काम करने के लिए हल्की क्वालिटी की फ़िल्म इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसीलिए हम लोग हाई क्वालिटी कोल्ड लैमिनेशन फिल्म यूज़ कर रहे हैं जिसे हम हाई ग्लॉजी कोल्ड लैमिनेशन फिल्म भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो एपी स्टिकर है जिसके ऊपर एकदम हाई डेफिनेशन ग्लॉजी फिनिश है उसे हम मशीन के अंदर इस तरह से सेट कर रहे हैं। उसके बाद कोल्ड लैमिनेशन फिल्म को उसके ऊपर लॉक कर रहे हैं और एक हाथ से रिलीज पेपर को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से मशीन को गोल घुमाएंगे और दूसरी तरफ कोल्ड लैमिनेशन का काम तैयार हो जाएगा। ये जितना आसान आपको दिख रहा है करने में उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग में अगर आपके 10-15 शीट खराब हों तो समझ जाइए कि आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप खराब नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। तो ये कोल्ड लैमिनेशन का जो काम है इस तरह से हो गया है। आगे और साइड के पीछे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ब्लीड आ गया है कोल्ड लैमिनेशन का, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट लैमिनेशन करना था। अब अगला स्टेप आता है इसके नॉर्मल फिनिशिंग करना और इसके लंबी लंबी चीरियां काटना, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रोटरी कटर। चाहे आप आईडी कार्ड करें, बैडजेस करें या कीचेन करें, बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन, और डिज़ाइन भले ही चेंज हो जाए कटर जो है इस तरह से आपको काटने में काम आएगा। यहाँ पर हम आईडी कार्ड का डिज़ाइन काट रहे हैं, आप चाहें तो कीचेन का भी डिज़ाइन काट सकते हैं, बैज का भी डिज़ाइन काट सकते हैं या कोई दूसरा आइटम भी काट सकते हैं। ये रोटरी कटर एक मल्टीपर्पस मल्टी फंक्शन कटर है जो कि आपको विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, पीवीसी बैजेस, पीवीसी कार्ड, स्टिकर कार्ड, स्टिकर बैजेस में भी काम आता है। साथ ही साथ अगर आप पासपोर्ट फोटोज़ का काम करते हो तो उसके लिए भी ये कटर मल्टी फंक्शन है।
तो एक मशीन लेने से आपके दो चार काम सुधर रहे हैं। और ये सेम कहानी है कोल्ड लैमिनेशन मशीन की भी, जो कि फोटो स्टूडियो, फोटो फ्रेम एंड फोटो लैब्स के अंदर काफ़ी यूज़ होती है। तो अब हमारे पास हमारी ये चीरी या फिर पट्टी तैयार है और अब हम इसके अंदर लेंगे आईडी कार्ड कटर। यहाँ पे जो आईडी कार्ड कटर है मेरे पास, उसके अंदर दो वैरायटी है। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी है, बट आईडी कार्ड के मेरे पास दो वैरायटी है। इसे हम कहते हैं रेगुलर कटर, ऑर्डिनरी कटर या फिर चाइना कटर। ये 250 माइक्रोन काटने के लिए काफ़ी है। हमारा जो ग्लॉजी लैमिनेशन है ये 125 माइक्रोन का है। ये है इंडियन कटर या फिर हैवी ड्यूटी कटर, इसे मैं कहता हूँ 350 माइक्रोन डाई कटर। 350 माइक्रोन इसीलिए क्योंकि मान लीजिए आप आज पेस्टिंग आईडी कार्ड कर रहे हैं स्कूल्स के लिए, कंपनीज़ के लिए, कल आप पीवीसी फ्यूजिंग कार्ड करेंगे, बैडजेस करेंगे, ड्रैगन शीट करेंगे या फिर एपी फिल्म का इस्तेमाल करते हुए आईडी कार्ड बनाएंगे, तब आपको एक हैवी ड्यूटी कटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये कटर साथ नहीं देगा, ये एक साल के अंदर ही दम तोड़ देगा। तो अगर आप हैवी ड्यूटी कटर लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इसकी लाइफ रहती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी फिनिशिंग आती है। और इसके अंदर मैं आपको दोनों की कटिंग करके बताता हूँ। यहाँ पे जो हम आईडी कार्ड का साइज़ बना रहे हैं उसे हम एटीएम साइज़ कहते हैं या फिर पीवीसी कार्ड का साइज़ कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल साइज़ है और 99% आपको सारे स्कूल्स, कंपनीज इसी साइज़ को फॉलो करते हुए दिखेंगे, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना बसे हों। ये इसे हम एटीएम साइज़ या फिर 5486 mm आईडी कार्ड साइज़ कहते हैं। और इस तरह से आपको आईडी कार्ड अपना कट करना है। ये एक मैनुअल काम है। इससे पहले हमने देखा कि रोटरी कटर या फिर डाई कटर जो थे, आपको एक शॉट में 10 शीट, 15, 10 कार्ड, 20 कार्ड एक साथ हो रहे थे। बट यहाँ पे जब आप रोटरी कटिंग के बाद जब डाई कटिंग करते हो तो आपको एक एक कार्ड एक बार में कट करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको हैवी ड्यूटी कटर का डेमो दे रहा हूँ। हैवी ड्यूटी कटर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही आसान है इसे पुश करना। आपके हाथ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं गिरता, हाथ में दर्द नहीं आता। अभी तो ये बहुत एक कार्ड है इसलिए अपने को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। मान लीजिए वही अगर आपने स्कूल से 1000 कार्ड का ऑर्डर लिया है और तो आपके हाथ में दर्द आना शुरू होता है, धीरे धीरे पेन आता है, तो अगर आप हैवी ड्यूटी डाई कटर लेते हो तो जो एफर्ट का काम है वो पूरा ये डाई कटर के अंदर फिक्स हो जाता है और आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। ये तो बहुत ही 125 माइक्रोन का है, इसके लिए इसके ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट अगर वही 350 माइक्रोन का ये कार्ड होता तो कटिंग करने में फिज़िकल लेबर, हाथ की मेहनत काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये तो था सिंपल तरीका कि आईडी कार्ड पेस्टिंग कैसे बनाएं। ये सेम तरीके से आपको आखिरी स्टेज में, ये आखिरी स्टेज है, इस आखिरी स्टेज के अंदर आपको केवल डाई कटर चेंज करना है। अभी हमने पेस्टिंग कार्ड बनाया था, अगर मान लीजिए आप पेस्टिंग बैज बना रहे हो या पेस्टिंग कीचेन बना रहे हो तो बैज का डाई कटर ले लेंगे, कीचेन बना रहे हो तो कीचेन का डाई कटर ले लेंगे, आईडी कार्ड यू शेप का कटर बना रहे हैं, यू शेप का आईडी कार्ड बना रहे हो तो यू शेप का कटर ले लोगे। तो आखिरी स्टेप, जो आखिरी कदम है, बस उसके अंदर आपका डाई कटर चेंज होता है। यहाँ पे मैं आपको कीचेन एंड बेल्ट बकल का डाई कटिंग करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक अलग डिज़ाइन लिया, उसे कोल्ड लैमिनेशन किया, रोटरी कटिंग किया, सेम तरीके से, सेम प्रोसीजर से, बस आखिरी कदम में हमने यहाँ पे डाई कटर बदल दिया, डिज़ाइन बदल दिया, काम बदल गया। तो पहले हम लोग पेस्टिंग आईडी कार्ड बना रहे थे उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करते हुए, अब उसी मशीन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कीचेन। तो यहाँ पे बस हमें स्टिकर पीछे से निकालना है, एक स्टिकर निकाल के आपको बताता हूँ मैं। तो स्टिकर कुछ इस तरह से निकलेगा, क्योंकि आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने एपी स्टिकर यूज़ किया था, और एपी स्टिकर निकालने के बाद यहाँ पे हमने कीचेन के ऊपर इसे लगा दिया। कीचेन का साइज़ और यहाँ पे बैज का साइज़ एक ही हो गया, डाई का साइज़। ये होने के बाद आपको इसे इस तरह से चिपका देना है। स्टिकर मोटा है तो आपको ज़्यादा बबल आने की या ज़्यादा फैलने की उसको टेंशन है नहीं, आसानी से आप अगर मोटे हाथ से भी इसे डाल देंगे तो काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये डबल साइड कीचेन है तो आपको दो स्टिकर इसके आगे पीछे लगाना है। सिमिलरली ये बकल है, बेल्ट बकल है बच्चों का, तो यहाँ पे ऊपर एक स्टिकर आपको लगा के बताता हूँ। सेम काम है, स्टिकर निकालना है, चिपका देना है, डिज़ाइन चेंज करेंगे आइटम चेंज हो जाएगा, बस आसानी से आप चिपका सकते हैं, कोई इसमें मिस्टेक होने का इतना ऑप्शन है नहीं, आसानी से काम हो जाता है। तो ये हो गया बेल्ट बकल एंड बेल्ट कीचेन। यहाँ पे हमारे पास दो साइज़ के बैड्स हैं, 2271 एंड 2984, दो साइज़ के बैड्स हैं हमारे पास, और उसमें से एक का मैं आपको डाई कटिंग करके बता रहा हूँ। तो इसे मैं कहता हूँ 2271 बैड्स, और उसका स्टिकर कुछ इस तरह से कटेगा, वैसे ही सेम प्रोसीजर है, कोई नया हमने इसमें प्रोसीजर लगाया नहीं है। स्टिकर काटेंगे, पीछे से लेस पेपर निकाल देंगे और चिपका देंगे, काम तमाम। सिंपल सा काम है, सिंपल सी मशीन है। और ये जितनी भी मशीनें मैंने आपको दिखाई, कोल्ड लैमिनेशन, प्रिंटर, कटर, ये सारी मशीनों का जितना भी काम है ये मल्टीपर्पज़ काम है। एक काम सिर्फ आईडी कार्ड के एक काम में अटके नहीं रहेंगे, आप अलग अलग तरह के काम इसमें जोड़ सकते हैं।
बस आपकी क्रिएटिविटी की आपको रोकेगी इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए बैच रेडी हो गया, पीछे पिन है, पार्टी को आगे सप्लाई हो जाएगा। तो वैसे ही बड़ा बैच होगा, बड़े बैच के ऊपर बड़ा स्टिकर लगा देंगे और बिग बैच रेडी। यहाँ पे मैं एक और छोटा सा डेमो दे देता हूँ आपको। डिज़ाइन हमें राउंड शेप करना चाहिए था, बट आपको दिखाने के लिए बस एक रेक्टेंगल शेप का है ये डिज़ाइन। बट ये हमारा राउंड किचन है, 35mm का राउंड किचन, एंड ये हमारा 35mm का राउंड बैच। हर एक डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए एक लेआउट होता है, टेम्पलेट होता है, एक स्पेशल मार्जिन देनी पड़ती है डाई कटर के लिए। डाई कटर के अंदर अगर आप चिपका के रखेंगे पूरा सामान तो वो बराबर से काम होगा नहीं। हमेशा डाई कटर के लिए मार्जिन और टेम्पलेट की ज़रूरत होती है। ये सारी टेम्पलेट्स आपको हमारी तरफ से फ्री मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। जैसे ही आप प्रोडक्ट लेंगे आपको टेम्पलेट भी मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा बैच, बैच के ऊपर स्टिकर लगा दीजिए। वैसे ही किचन है, किचन के ऊपर आप इस तरह से स्टिकर लगा दीजिए, तो किचन बन गया। और यहाँ पे जो मैंने आपको 35mm का राउंड किचन बताया है, ये एक डबल साइड किचन है। इसके पीछे भी बस आपको स्टिकर निकालना है इस तरह से एंड चिपका देना है अपने बैच के ऊपर। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली अपने हाथों से आप लगा सकते हैं। ज़्यादा कोई टेक्निक है नहीं इसमें, सिंपल सा काम है एंड आसानी से। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड काम था वो डाई कटर के काम के साथ ही ख़त्म हो गया। तो ये रहा आपका किचन, और उसी तरह से आप बस स्टिकर निकाल के इसे चिपका देंगे तो ये बन जाएगा बैच। बैच के पीछे हमने पिन रेडीमेड आपको दे दी है। तो इस तरह से सिंपल काम है, आपको आईडी कार्ड बना सकते हैं, बैचेस बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं। ऐसा एक और बैच किचन है हमारे पास, ये 22x55mm का सिंगल साइड किचन, इसे हम लोग टिफिन किचन भी कहते हैं। और ये किचन भी आप आसानी से इसमें बना सकते हैं, बस आपको स्टिकर इसमें इस तरह से काटने की ज़रूरत है। जैसे ही आप किचन का साइज़ लेंगे या डिज़ाइन लेंगे उसका कटर भी लेना अनिवार्य है। आप चाहें तो मैन्युअली हाथ से भी, हाथ से काटने में दिक्कत ये होती है कि वो फिनिशिंग, वो सफाई या वो राउंड कॉर्नर्स नहीं आ पाते। आईडी कार्ड के होल्डर्स भी हमारे पास कई प्रकार के हैं, सिंगल साइड, डबल साइड, और आईडी कार्ड स्टिकर भी जो है इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे ये था सिंगल साइड होल्डर, ये है डबल साइड होल्डर एटीएम साइज, ये है सिंगल साइड में आड़ा होल्डर, होल्डर नंबर 12, और इस होल्डर का नंबर था होल्डर नंबर 8, और ये था होल्डर नंबर 1 सिंगल साइड का। दूसरा है हमारे पास 4872 स्क्वायर शेप का, ये है, ये ज़्यादातर एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों के लिए है। और ये है 43x44 होल्डर नंबर, जिसे वर्टिकल होल्डर भी कह जाते हैं, और साउथ में यहाँ पे लोग इसे एग्जीक्यूटिव होल्डर भी कहते हैं। एंड उसी तरह से हमारे पास वो आड़े में भी है, इनर आउटर होल्डर हम लोग कहते हैं, होल्डर नंबर 54-55 इस वाले का नंबर है। फिर है ये एप्पल होल्डर, ये भी स्कूल के बच्चों के लिए है, बड़ों को शोभा नहीं देता। एप्पल होल्डर डबल साइड, इसमें सिंगल साइड भी आ जाता है। उसी तरह से मैंने आपको बता दिया था 2984 का ये बैच है, 2271 का ये वाली बैच है, स्मॉल बैच। और ये है यू शेप आईडी कार्ड होल्डर, 4872 यू शेप, इसकी भी डाई आपको हमारे पास मिल जाएगी, वो कुछ इस तरह से दिखती है। साथ ही साथ आपको अलग से काफ़ी सारे डिज़ाइन्स एंड होल्डर्स हैं इनमें, तो और वैरायटी है हमारे पास, बट ये फास्ट मूविंग आइटम थे तो मैंने आपको वीडियो में ये बताया। साथ ही साथ ये सारे कटर्स भी हैं, आपको हर एक कटर की अलग टेम्पलेट होती है, और सारे कटर्स की टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल है। ऑर्डर करने पे ये सारी टेम्पलेट्स आपको फ्री में दे दी जाती है। ये है हमारा शोरूम जो कि एस्टैब्लिश्ड है हैदराबाद सिटी के अंदर, और अगर आपका यहाँ कभी आना हो तो प्लीज़ डू विजिट अस और हमें इस सेवा का मौका दें। हमारे पास यहाँ 200 से भी ज़्यादा मशीन एस्टैब्लिश्ड हैं, जहाँ हम रेगुलरली अपने कस्टमर्स को इसका डेमो आइडिया और डिफ़िकल्ट वीडियोस बना के देते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे ले जा सकें। इसी के साथ अगर आप कभी आएँ तो आपको निमंत्रण है, प्लीज़ आएँ, हमें विज़िट करें और जानें हमारी स्ट्रेंथ एंड